गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम इंडियन लॉजिक, जो हमारा प्रमाण है, उसको हम पूरी तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। ये वीडियो अगर आपने सुन ली और अगर आपने पीछे वाले वीडियो सुन रखी है तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसका मतलब चार मार्क्स। तो छोटी मोटी इंपॉर्टेंस नहीं, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। राइट, चलो स्टार्ट करें। ओके, देखो मैं बात कर रही हूँ आपका इंडियन लॉजिक प्रमाणा के अंदर। प्रमाणा के अंदर आपको पता है छः, तो फटाफट मुझे नाम बताइए। सबसे पहले आता प्रत्यक्ष, दूसरे नंबर पर अनुमाना, तीसरे नंबर पर उपामना, फोर्थ नंबर पर अर्थपत्ति एंड फिफ्थ नंबर पर अनुपलब्धि और सिक्स नंबर पर शब्दार्थ। अब एक एक का इनका मीनिंग बताइए। प्रत्यक्ष को क्या बोलते हैं? परसेप्शन बोलते हैं। अनुमाना को इन्फ्रेंस बोलते हैं। उपामना को कंपेरिजन एनालॉजी बोलते हैं। अर्थपत्ति को पोस्टुलेशन डेरिवेशन, या अर्थपत्ति के अंदर दो वर्ड और मैंने बताए थे आपको याद रखना है। एक तो आपकी अर्थपत्ति का मतलब है जैमसन्स एंड दूसरे नंबर पर आता है आपका इम्प्लीकेशंस। ओके, उसके बाद आता है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि मतलब जो चीज़ उपलब्ध नहीं है फिर भी आपको ज्ञान हो रहा है, डेट मीन्स नॉन परसेप्शन, नेगेटिव या कॉग्निटिव प्रूफ। उसके बाद आता है आपका शब्द, जिसका मतलब होता है वर्ड या टेस्टिनोमी। ये चीज़ होगी आपकी प्रमाणा की, एक एक करके डिस्कस करते हैं फटाफट। हम आज रिविज़न ही कर रहे हैं इसलिए आप ये मत सोचिए कि मेरी स्पीड इतनी तेज़ क्यों होगी। ठीक है, आप इतनी स्पीड में समझने की कोशिश कीजिए। अगर नोटबुक पेन अगर रख लो साथ में तो 10 मिनट में कुछ नहीं जाएगा। राइट, चलो फटाफट रिवाइज करते हैं। यस, सबसे पहले प्रत्यक्ष की बात करें। प्रत्यक्ष के अंदर हमने बात करी थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके से होता है। जो डायरेक्ट होता है वो होता है आपका एक्सपीरियंस के थ्रू, मतलब आपका अनुभव है, और इनडायरेक्टली मतलब आप स्मरण कर रहे हो स्मृति के थ्रू, मीनिंग आप रिमेंबर कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद था टाइप्स ऑफ न्याय के अकॉर्डिंग टू, आपके दो टाइप थे, एक था ऑर्डिनरी एक था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी में फिर दो थे, एक था आपका एक्सटर्नल एक था इंटरनल। एक्सटर्नल के एक्सटर्नल में पाँच थे, इंटरनल के अंदर छः थे, इनर सेंस और ऐड हो जाती थी। पाँच की अगर हम बात करें तो वही था फाइव ऑर्गेन्स के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर हमें ये भी पता है जो परसेप्शन होता है वो हमारे सेंस ऑर्गेन से रिलेट करता है। ठीक है, हमारा इंट्यूशन बेस्ड होता है। सो इंटरनल के अंदर छः थे और एक्सटर्नल के अंदर पाँच थे। एक्सटर्नल के अंदर जो पाँच थे वो कौन कौन से थे? जैसे कि हमारा ईयर हो गया, आई हो गया, टंग हो गया, नोज़ हो गया, स्किन हो गया। इनके दूसरे नाम याद रखने थे ताकि हमें पता चल सके कि उनसे भी हमें नॉलेज मिलते हैं। यस, तो जैसे ईयर हो गया, ईयर का क्या हो गया? ऑडिटरी हो गया। उसके बाद जो आई होगी उसका विजुअल हो गया, और टंग का टेस्ट हो गया, नोज़ का ऑल्फैक्टरी मैंने कहा था, बस नोज़ में ही आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो नोज़ में भी आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो गए। आपको वो एग्जांपल उस वीडियो में मैंने बताया था, कितने अच्छे से याद कराया था, नोज़ मीन्स ऑल्फैक्टरी वैसे करो। उसके बाद स्किन टैक्टाइल हो गया, ठीक है ये साइड करो। उसके बाद इंटरनल के अंदर, इंटरनल के अंदर आपके पाँच तो ये थे, उसमें एक इनर सेंस और ऐड हो जाएगी, छः हो जाएंगी। कहानी क्यों ख़त्म हुई यहाँ तक? यस, अब फटाफट लिखो। हमने बात करी थी कि जो प्रत्यक्ष हैं अकॉर्डिंग टू न्याय, उसके दो टाइप थे, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी के दो टाइप एक्सटर्नल और इंटरनल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के टाइप्स की। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स तीन, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब आप ऑर्डिनरी से कुछ हटके हो, तो उसके तीन हैं। तीन कौन कौन से? सामान्य लक्षणा है, जनान लक्षणा है और योगाज है। कौन कौन से हैं? सामान्य लक्षणा, जनान लक्षणा और योगाज। सामान्य लक्षणा मीनिंग कुछ हटके हैं, फाइव सेंस ऑर्गन से हटके हैं। लेकिन जनान में क्या होगा कि वो जो भी कुछ है उन्होंने आराम से, मतलब जो होता नहीं है मंत्र जाप करके आराम से बैठ बैठ के, उन्होंने अपनी सेंस ऑर्गन से आगे सोचना शुरू कर दिया, ठीक है। योगाज में भी योगा कर करके वह नॉलेज भी ग्रहण कर रहे हैं, पांचों सेंस ऑर्गन से ऊपर चले गए हैं, तो उनको बोलते हैं आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ परसेप्शन की, तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरमीडिएट और एक होता है डिटर्मिनेंट। सॉरी, इंटरमीडिएट बोल गई, नहीं 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 स्टेजेस ऑफ परसेप्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है इनडिटर्मिनेंट और एक होती है डिटर्मिनेंट। जो डिटर्मिनेंट होती है वो सर्वकल्पा होती है, और जो इनडिटर्मिनेंट होती है वो निर्विकल्पा होती है। नाम से क्लियर हो रहा है मतलब कि आप उसके बारे में, चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। निर्विकल्पा मतलब आप कुछ भी नहीं जानते हो, बस ऊपर ऊपर से जानते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं वही वाटर बॉटल की, या कुछ भी लगा लो जो आपके पास अभी फ़िलहाल रखा हुआ है, आप उसको ऊपर से बोल देते हो कि मेरे पास एक मार्कर रखा हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास ये मार्कर हुआ है, मैंने जस्ट बोला कि इसका कलर वाइट कलर का और आगे से ब्लैक, थोड़ा थोड़ा ब्लैक, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपने नॉर्मली बोल दिया तो ये आपका निर्विकल्प होगा। सर्विकल्प आप कहोगे इसके अंदर से निकालेंगे, इसके अंदर इंक डाली जाती है, इसके अंदर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? एक एक निकले, एक एक लंबी सी लाइन, वो जो भी कुछ है इसके अंदर से आप, मैं तो निर्विकल्प हूँ, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या क्या है। बाकी आप सर्विकल्प हो तो आपको सब कुछ पता होगा, ठीक है।
बात समझ में आ गई। और जो निर्विकल्पा होता है वो फ्री फ्रॉम एसिमिलेशन डिस्क्रिमिनेशन एनालिसिस सिंथेसिस सबसे फ्री होता है, लेकिन जो डिटर्मिनेंट होता है उसको, जो सर्विकल्पा होता है उसको सब कुछ पता होता है, और वो ऑन द बेसिस ऑफ किस से जानता है, एसिमिलेशन के थ्रू, डिस्क्रिमिनेशन करके, एनालिसिस करके और सिंथेसिस करके। ठीक है, ये तो हो गया आपका परसेप्शन की रिविज़न। अब मैं बात करती हूँ आपकी अनुमना की। ठीक है, प्रिटेक्स तो हो गया, परसेप्शन प्रिटेक्स तो हो गया, अब हम बात करेंगे अनुमना की। और अनुमना का मतलब होता है इन्फ्रेंस, इतना क्लियर हुआ। अनुमना के अंदर मेजर मिडिल माइनर टर्म्स की बात होंगी। मेजर का मतलब होता है साध्य, माइनर का मतलब होता है पक्षा, और जो मिडिल होता है उसका नाम होता है हेतु, और उसी को लिंगा या साधना भी बोलते हैं। ठीक है, और अनुमना के तीन टाइप थे, ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ व्याप्ति और ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्शन। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के बेस पर दो थे, स्वार्थ एंड प्रार्थ। जो स्वार्थ था वो अपने बारे में सोचता था, प्रार्थ दूसरों के बारे में सोचता था। उनके बेसिस पर 5 मेंबर्स आए, जिनमें से जो स्वार्थ था वो चाहे तो ऊपर के 3 लेके चलता था, चाहे नीचे के 3 लेके चलता था, और जो प्रार्थ था वो पूरे 5 के 5 लेके चलता था। अगर हम पांचों के नाम की बात करें तो प्रतिजना था फर्स्ट नंबर पर। प्रतिजना को स्टेटमेंट या प्रपोशन या हम हाइपोथेसिस बोल सकते हैं। उसके बाद नंबर पर सेकेंड नंबर पर था हेतु, हेतु का तो आपको पता ही रीज़न। उसके बाद था उदाहरण, उदाहरण दोनों में आएगा, स्वार्थ के ऊपर वालों में भी आएगा, नीचे वालों में, क्योंकि बीच के टर्म होगी। ठीक है, क्योंकि 5 है, उदाहरण हो गया, एन एग्जाम्पल या दृष्टांतता इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद उपन्यास आया, उपन्यास में कंफ्यूज नहीं होना, याद करने या रीअफर्मेशन और एप्लीकेशन। जिन्होंने पहले वाली वीडियो देख रखी ना उनके तो मजा आ रहा होगा फटाफट रिविजन करते वक्त, राइट। ओके, उसके बाद आता है निगमना, मतलब कंक्लूजन। कहने का मतलब है स्वार्थ और प्रार्थ 5 चीज़ों को लेकर चलता है, स्वार्थ ऊपर के 3 या नीचे के 3, प्रार्थ सबके, प्रतिजना, हेतु, उदाहरणा, उदाहरणा के बाद उपन्यास, उपन्यास के बाद सबसे लास्ट में निगमना। ठीक है, निगमना मतलब कंक्लूजन, राइट। दूसरे नंबर पर आता है ऑन द बेसिस ऑफ व्याप्ति, अनुमना की बात कर रहे हैं। अनुमना के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ व्याप्ति 3 है, पूर्वावत, शेषावत और सामान्यतः इन्फ्रेंसेज। देखो, पूर्वावत शेषावत में मैंने कहा था, शेषावत पहले याद रखना, शेषावत मतलब SEC मतलब सेक्शन। कहने का मतलब है S का मतलब शेषावत हो गया, E का मतलब इफेक्ट पहले आया, और शेषावत SEC कोज बाद में, पहले इफेक्ट दिखा बाद में कोज दिखा। आपको पता है पहले इफेक्ट मतलब कीचड़ दिखी, बाद में कोज का पता चला हो बारिश हुई होगी, है ना। उसके बाद पूर्वावत इसका उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब पहले आपको कोज दिखा होगा, पहले आपको बादल दिखे, फिर आपने आइडिया लगाया कि हाँ बारिश तो होनी है, राइट। तो पूर्वावत हो गया, आपने पहले अनुमान लगा लिया, और इसका रिवर्स हो गया शेषावत का, शेषावत आपने सेक्शन से याद कर लिया। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं याद हुआ हुआ ना तो पहले वाले वीडियो देख के तब याद करो। उसके बाद आता है सामान्यता इन्फ्रेंसेस, सामान्यता इन्फ्रेंसेस बाय एनालॉजी होती है। फिर आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्शन, देर आर 3। फर्स्ट इज केवल यामिनी इन्फ्रेंसेस, सेकेंड इज केवल यात्रिकी इन्फ्रेंसेस, एंड थर्ड इज अवन्य वात्रिकी। ठीक है, देखो आपको याद रहना चाहिए जो व्यात्रिकी है वो नेगेटिव तो है, ठीक है। तो केवल यामिनी बेचारे में कुछ यात्रिकी व्यात्रिकी नहीं है, तो ये क्या है आपका, पॉजिटिव है, एग्रीमेंट इन प्रेजेंस है, यस। फिर उसके बाद है जो केवल केवल यात्रिकी है वो नेगेटिव है, और एग्रीमेंट इन एब्सेंस है, ठीक है। और उसके बाद जो अवन्य वात्रिकी, अवन्य सही हो गया, व्यात्रिकी गलत हो गया, तो ये क्या है, मिक्सचर है, ये पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों सेंस में आ रहा है, और इसको बोलते हैं एग्रीमेंट इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस। और जो ये ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्शन 3 टाइप के हैं, इसको मिल्स मेथड भी बोला जाता है। चलो ये साइड हुआ, अनुमना साइड हुआ। अब तीसरे नंबर पर आपका आता है उपामना। उपामना क्या होता है, कंपैरिजन होता है, जब आप तुलना करते हो, जब आप कहते हो चांद सामुख, समझ रहे हो। तो और उपन्यास के अंदर आपको याद रखना उपन्याम नाम साम, याम नाम श्याम, SAM सामान्यता है, ऐसे कुछ 3 याद रखना है। टाइम याम, टाइप याम नाम श्याम, ठीक है। याम मतलब उपन्याम, उपनाम, उपनाम और सामान्य। तो जो मैंने क्या बोला पहले, याम ना, तो उपन्याम है वो आपका सब्जेक्ट है, उपनाम आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समझ रहे हो। और जो सामान्य है वो आपका एट्रीब्यूट है, समझ में आ गया। उपन्याम, उपमा, उपनाम और सामान्य, ठीक है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि जो अभी मैंने 3 ऊपर के बताए और प्लस शब्द जो हैं, वो चारों के चारों आपके वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज हैं। अब जो 2 आएंगे अर्थपत्ति एंड अनुपलब्धि, ये इनवैलिड है, ठीक है। जो अर्थपत्ति होता है, अर्थपत्ति मतलब, अर्थपत्ति का मतलब है, अर्थपत्ति से आप मतलब कोई अर्थ निकाल रहे हो। कहने का मतलब है
कि अगर राम मोटा है और वो खाना भी नहीं खाता दिन में, तो हम अनुमान लगा लेते हैं, कहने का मतलब है अनुमान लगा लो या अजम्पशन लगा लो, हम ये अजम्पशन मान लेते हैं कि वो रात को खाता होगा। ऐसा कुछ देवदत्त से रिलेटेड एग्जाम्पल है, आपने आपको पता होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अर्थ निकाल लेते हो तो वो होता है अर्थपति, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब नॉन परसेप्शन। कहने का मतलब है कि अगर क्लास से शोर आ रहा है और हम वहाँ से जा रहे हैं, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं क्लास के अंदर टीचर नहीं होगा। कहने का मतलब समझ में आया? ओके, तो वो क्या हो गया आपका अनुपलब्धि। उसके बाद जो लास्ट है वो आपका वर्ड है, वर्ड समझ रहे हो, शब्द मतलब वर्ड, टेस्टोनॉमी। अच्छा, उसके अंदर आपकी चार टाइप्स हैं, याद रखना। एक है आकांक्षा, दूसरे नंबर पर योग्यता, थर्ड नंबर पर सनिधि एंड फोर्थ नंबर पर तात्पर्य। ओके, आकांक्षा समझ रहे हो, कुछ लेने की इच्छा, योग्यता, सनिधि एंड तात्पर्य। आकांक्षा, योग्यता, सनिधि, तात्पर्य। आकांक्षा, योग्यता, सनिधि, तात्पर्य। बोलो, आकांक्षा, योग्यता, सनिधि, तात्पर्य। समझ में आया? और इसी में होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, दृष्टता और अदृष्टता, और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, जिसके अंदर स्क्रिप्चुअल और सेकुलर आता है। जो स्क्रिप्चुअल होता है वो वेदास में लिखा हुआ होता है, उसमें सारा सच होता है, एंड जो सेकुलर होता है वो लौकिक होता है, लौकिक, और वो लौकिक का मतलब लोगों द्वारा, और वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा, क्योंकि आपके सामने स्क्रीन पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बट अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे तो 10 मिनट की, कितने मिनट की, मुश्किल से 12 मिनट की वीडियो है, लेकिन आपको ज़बरदस्त तरीके से आपके चार नंबर पक्के हो जाएंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। एक ही दिन रह गया। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।